शुक्रवार को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोहरा समुदाय द्वारा संचालित अरबिक एकेडमी के मुंबई के मरोल स्थित नई परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर व्यापार से पारंपरिक रूप से जुड़े इस समुदाय में हर्ष का माहौल है और हमारा सौभाग्य है कि अलजामातु सैफिया की फोर्थ ब्रांच की इनॉग्रेशन के लिए हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आने वाले हैं और उसके साथ में महाराष्ट्र सरकार के काफ़ी सारी अधिकारियाँ इधर आने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे जो शिक्षा देते हैं अलजामातु सैफिया में, वो दोनों के लिए, चाहे वो पुरुष हो या औरत हो, दोनों को यही शिक्षा देते हैं कि वो अपनी शिक्षा से ऐसा आगे बढ़े कि समाज के लिए और देश के विकास के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। गौरतलब है कि मुस्लिमों की कुल आबादी में 10% भागीदारी वोहरा समुदाय की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर इस समुदाय के योगदान को रेखांकित कर चुके हैं। समुदाय और प्रधानमंत्री के रिश्ते को करीब से समझने वाले अल जामियतु सैफिया के प्रोफेसर मुफद्दल शाकिर इस शैक्षणिक संस्था और इससे जुड़ी चीजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री का वोहरा समुदाय के प्रति गहरा लगाव है। गर्व का माहौल लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वैसा ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने हर तरीके के अंदर, एजुकेशन के फील्ड के अंदर, एनवायरनमेंट के फील्ड के अंदर, डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर, हर जगह हमने कोशिश करी है कि हम लोग आगे बढ़ सके और एक मिसाल कायम कर सके। प्रधानमंत्री हमेशा कई मौक़ों पर जिक्र किए हैं प्रधानमंत्री इस कम्युनिटी का, कई मौक़ों पर उन्होंने इंटरेक्ट किया है इस कम्युनिटी के जो स्कॉलर्स हैं उनसे कई मौक़ों पर इंटरेक्ट करते हैं और तो ऐसे में यह दौरा जो है प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने सहयोगी गौरव के साथ मनोज कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, मुंबई।